प्रॉब्लम 16। अच्छा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट रीड करेंगे हम, फिर हम साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। On 1st September 2016, A's account in the books of B shows a debit balance of rupees 18,000। अब देखें कि A का अकाउंट है B की बुक से, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट मींस कि 1st सितंबर 2016 को B ने A से कितना रिसीव करना है, 8,000। इसका मतलब ये है, ठीक है। On the same day, B drew a bill on A at 2 months for rupees 8,000। अब इसी डेट पे B ने जो है वो बिल ड्रॉ कर दिया A के ऊपर, कितने का, 2 महीने का, 8,000 का। The bill was dishonored on the due date। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। अब उसके बाद B's accounts are made up to 31st December each year। B जो है अपने accounts बनाता है साल के एंड पे, 31st December, ठीक है, दिसंबर के महीने में साल के एंड पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, बिल जब डिसऑनर हो गया, B then filed a suit against, सू कर दिया जी B ने, केस कर दिया A के अगेंस्ट फॉर द अमाउंट ड्यू एंड द जजमेंट इज ऑब्टेन्ड ऑन 1st मार्च 2017। अब बी ने केस किया A के ऊपर, लेकिन उसकी जजमेंट कब आई है, 1st मार्च 2017 को, ठीक है, फॉर द अमाउंट ऑफ डेट विद इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है, अमाउंट भी पे करनी है और इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है, A ने फ्रॉम 1st जनवरी 2017 अप टू द डेट पेमेंट टुगेदर विद लीगल कॉस्टिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 780। अब 1st जनवरी से लेके जजमेंट की डेट तक जितनी भी अमाउंट बनती थी, ठीक है, ए की तरफ, वो सारी रिसीव करनी है आपने, ठीक है, कितनी बनती है, इंटरेस्ट भी आपने ऐड करना है, और ये लीगल कॉस्टिंग जो ए बी ने पैसा लगाया केस के ऊपर, वो भी ए से रिसीव करना है, ठीक है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, लीगल कॉस्टिंग जो है ना वो बताई हुई है कितनी है, लीगल चार्जेस 780। उसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन है, ए पेड द डिक्रीड अमाउंट ऑन 16 मार्च 2017। ए ने पूरी पेमेंट कर दी है 16 मार्च 2017, ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज एंड एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी। आपने बी की बुक बनानी है, जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है, और ए का अकाउंट बनाना है, बस ये प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं बोर्ड पे हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। बी का जन्म बनाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, हम साथ साथ ना अकाउंट में बना देते हैं, ठीक है, बी की बुक में बना रहा है एक अकाउंट, ठीक है, अकाउंट हम किसका बनाएंगे, ए का अकाउंट बी की बुक से साथ साथ ही बना लेते हैं, क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन साल के स्टार्ट की दी हुई है बताया, ठीक है। सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉडाउन करेंगे, जो इतना है 1st सितंबर को 8,000, 1st सितंबर 2016 को डेबिट बैलेंस था ना ए का बी की बुक में, बैलेंस ब्रॉडाउन करें आप डेबिट बैलेंस साइड, डेबिट साइड पे कितना है जी 8,000। हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ए के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बी की बुक में, ठीक है, 1st सितंबर को, तो बैलेंस बीडी करेंगे आप कितना 8,000 1st सितंबर लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या होगा, बिल ड्रॉ होगा, ठीक है, इसी डेट पे, तो क्या एंट्री करेगा बी अपनी बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा जब ए पे बिल ड्रॉ करेगा, किस डेट को बिल ड्रॉ होगा, 1st सितंबर को, 1st सितंबर 2016, ठीक है। बी जब बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और ए अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, कितनी अमाउंट से, 8,000, ठीक है। ए अकाउंट क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, बिल रिसीवेबल 1st सितंबर 2016 को, इसको भी पोस्ट करते हैं हम साथ ही, कितना है जी 8,000, ठीक है। उसके बाद बिल जब डिसऑनर हो गया, ठीक है, ड्यू डेट क्या बननी थी 4 नवंबर, 2 महीने बाद नवंबर 4 को बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, 2 महीने का बिल था, 4 नवंबर को बिल डिसऑनर होगा, तो बिल डिसऑनर होने की क्या एंट्री होती है, एंट्रीज को आप रिवर्स करेंगे, ए की बुक में भी एंट्रीज कर लेते हैं, ए क्या करेगा अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा,
September 2016 B A की requirement नहीं है, requirement सिर्फ B की book की है, ठीक है, लेकिन हम इसकी बना लेते हैं। तो A क्या करेगा, जब bill A पे draw होगा B account को debit करेगा और bill payable को क्या बना लेगा, credit, bill payable को liability बना लेगा, credit कर लेगा, ठीक है, B to bill payable entry होगी। अब bill disorder हुआ, एड्रेस को रिवर्स करें, ए को दोबारा क्या बनाना है, अकाउंट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना है 8000 से, और ए क्या करेगा अपनी बुक में, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट, कितने से 8000 से। ये हो गई एंट्रीज रिवर्स, ठीक है। अब साथ साथ एंट्री करते हैं, ए फिर डेबिट में है 4 नवंबर, ठीक है, डेट आप लोगों ने खुद लिख लेनी है, चलिए लिख देते हैं, क्योंकि साल का ना एंड का मसला है बीच में। ये डेबिट में अगेंस्ट क्या है, बिल रिसीवेबल, कितनी अमाउंट से 8000, ठीक है। अब आपने क्योंकि ये ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है, तो आप इसको क्लोज करें आप साल के एंड पे, क्योंकि केस जब हुआ है वो साल के स्टार्ट में हुआ नेक्स्ट ईयर के, ठीक है, और बी ने ए ने पूरी अमाउंट का पे की है 16 मार्च को, तो नेक्स्ट ईयर में बात चलेगी। आप डेटा पूरा रीड करें, 16,000 हम क्लोज करने लगे हैं 2016 को, फिर 2017 में आगे ट्रांजेक्शन होंगे, तो 2016 को आप पहले क्या करें, क्लोज करें, ठीक है, माइनस करें, तो कितना आया जी दिसंबर 31 को बैलेंस जो रिसीव करना है, बैलेंस कैरी आउट 8,000, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ईयर जो इस साल का 16 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, 2017 का वो ओपनिंग बैलेंस होगा, फर्स्ट जनवरी 2017 बैलेंस आप क्या करें, बीडी कितना जी 8000, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे यहाँ पे, अब बी ने लीगल चार्जेस जो पे किए हैं वो 4 नंबर 5 नंबर डेट आप 5 नंबर लिख दें, 4 नंबर या यही डेट लिख दें, बी ने लीगल चार्जेस जो है वो कैश में पे किए हैं, ऑब्वियसली जब रेडी सोनल होगा उसी डेट पे वो जो है वो अपना अप्लाई कर देगा कोर्ट में, ठीक है। तो लीगल चार्जेस पे हो गए 4 नंबर लिख दें आप, कैश में पे किए हैं बी ने, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, ठीक है। उसके बाद लीगल चार्जेस कैश पे करने के बाद आपने इसको रिकॉर्ड करना है मार्च 2017 में, फर्स्ट मार्च 2017 को आपने क्या करना है, ए को रिसीवर बनाना है, ज़रा लीगल चार्जेस भी लेने आपने, तो बी ने लीगल चार्जेस किससे लेने हैं, ए से, ठीक है, और लीगल चार्जेस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि फिर ये इनकम बन जाएगी लीगल चार्जेस क्रेडिट, कितने से 780 से, ठीक है। ए के लिए क्या है, लीगल चार्जेस एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, और पे किसको करने हैं, बी को, कितने 780, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, अब इंटरेस्ट भी आपने ऐड करना है, इंटरेस्ट कितने है जी, 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट आप चार्ज करें, ठीक है। इंटरेस्ट आप कैसे लेंगे, इंटरेस्ट लेना किससे, सबसे पहले एंट्री पे कोड करें आप 16 मार्च को, 16 मार्च को आइए ना जजमेंट, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है, नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा ना जनवरी फरवरी मार्च, 16 मार्च तक आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, 2.5 महीने का इंटरेस्ट अकाउंट को आपने डेबिट करना है, सॉरी इंटरेस्ट आपने रिसीव करना है, किससे रिसीव करना है, ए से, ए को डेबिट करेंगे आप, ठीक है, और इंटरेस्ट को इनकम के तौर पर क्रेडिट, ड्रॉअर की बात होगी, ड्रॉअर करेगा अपनी, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है जी 100, ठीक है। ये इंटरेस्ट कैसे निकाला है, बिल की अमाउंट कितनी बनती है जी 8000, ठीक है, बिल की अमाउंट देखिए आप कितनी है जी 8000, ठीक है, 8000 में आप लेंगे 6%, ठीक है, 8000 में आप 6% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 100, 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा कि 100 इंटरेस्ट आप ले रहे हैं 2.5 महीने का, ठीक है,
वन बाय टू का मतलब है वन बाय टू करेंगे आप जब कैलकुलेटर पे तो 0.5 आएगा, आपने 2 में ऐड कर देना तो ये बन जाएंगे 2 महीने, 2.5 डिवाइडेड बाय 12 ये आ गया 100, ठीक है। एक ही इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पे किसको करना है, बी को, कितना 100, ठीक है। अब साथ साथ आप जो है इसके अकाउंट में भी एंट्री करनी है आपको, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करनी है, अब आप अकाउंट में पोस्टिंग करें, ए अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या आएगी, लीगल चार्जेस कितने हैं जी 780, फिर ए अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या आएगी, इंटरेस्ट 100, डेबिट साइड का टोटल करें तो ये कितना आएगा कि आपके पास 8880 प्लस 780 प्लस 100 ये आ जाएगा जी 8880, ठीक है 8880 ये आपने टोटल इससे रिसीव करना है ए अकाउंट से, ठीक है। तो रिसीव कर लिया कंप्लीट आपने, कैश अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से जी 8880, ठीक है। ए क्या करेगा अपनी बुक में, बी अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, डेट क्या है जी 16 मार्च को, ठीक है 8880। अब देखें कैश अकाउंट ए अकाउंट क्रेडिट में अकाउंट आपने खत्म कर दिया इसका, और कैश आ गया आपके पास क्रेडिट, कितना 8880 ए का अकाउंट नहीं हो। प्रॉब्लम को आपने पूरा पहले रीड करना है 2 से 3 बार, ठीक है, फिर आपने इसको जो है ना सॉल्व करना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बुक आपने सिर्फ बी की बनानी है, सबसे पहले बैलेंस है डेबिट बैलेंस, साल के स्टार्ट में मैंने अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, डेबिट बैलेंस आ गया 8000 रिसीव करना है, जो फिर बिल ड्रॉ किया बिल रिसीवेबल टू ए, ठीक है ए क्रेडिट में अगेंस्ट आ गया बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद ए फिर डेबिट में बिल डिसओनर हो गया उसी पीरियड को, फिर आ गया डेबिट में ए बिल रिसीवेबल, तो 2016 में आपने कितना रिसीव करना है 8000, 2017 के स्टार्ट में आपने बैलेंस बीडी कर दिया। अब क्योंकि केस जो है वो साल के जो है ना वो खत्म होने के बाद अगले साल पे चला गया, बी अपनी बुक्स बनाता है 31 दिसंबर ईच ईयर, तो आपने 31 दिसंबर 2016 क्लोज करके फिर 2017 स्टार्ट कर दिया, फिर 2017 में जो लीगल चार्जेस आपने कैश में पे किए थे जब बिल डिसओनर हुआ, आपने लीगल चार्जेस उसी वक्त पे कर दिए क्योंकि आपने कोर्ट में अप्लाई कर दिया, लेकिन लीगल चार्जेस किससे लेने हैं, ए से, 1 मार्च को आपने ए को डेबिट किया लीगल चार्जेस से लेने से, ठीक है इनकम के तौर पे क्रेडिट कर लिया लीगल चार्जेस को, फिर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 16 मार्च को, क्योंकि जब केस का फैसला हुआ 16 मार्च को, ठीक है तो वो 2.5 महीने गुजर चुके थे, केस का फैसला 16 मार्च से पहले हुआ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ए पेमेंट कर रहा है 16 मार्च को सारी, तो आपने इंटरेस्ट लिया है 2.5 महीने का 1 जनवरी से लेके 16 मार्च तक, किस पे बिल की अमाउंट पे, सिर्फ 8000 पे 6% लिया 2.5 मंथ्स ये आ गया 100, फिर आपने कैश पूरे रिसीव कर लिया, कितना रिसीव करना है वो अकाउंट से पता चला आपको 8000 प्लस 780 प्लस 100, तो आपने टोटल अमाउंट ये रिसीव कर लिया कैश, इसको आप लोग नोट करें, ठीक है।